हाँ तो कैसे हो भाई लोग। तो फिर से भाई आ गए आपके रैप्सल वावा। रैप्सल वावा तो भाई अभी खड़े हैं अपनी जगह पे, क्योंकि भाई बहुत बारिश हो रही है भाई, और रैप्सल वावा भी नहीं निकल रहे। और रैप्सल वावा में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है भाई। गाड़ी क्या है कि चलते चलते भाई यू यू कर रही है, मतलब ऐसी ऐसी चल रही, जैसा सांप चलता है ना भाई, ऐसी चल रही। पता नहीं क्या हो गया उसके अंदर। तो अभी सर्विस पे उसको दिखाना है, तो वो भी क्या है कि सर्विस वाले भी भाई जो अपना मैकेनिक है वो भी छुट्टी पे चल रहा है अभी 5-6 दिन से, तो वो गाड़ी दिखा भी नहीं पाया। और मैंने बाहर दिखाई थी वैसे 2-3 लोगों को, तो भाई वो बोल रहे थे कि कोई बोलता है भाई कि हवा डलवाओ, तो हवा मैंने कम ज़्यादा करवा के भी देख लिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद में जैसे मैंने फिर एक ने बोला कि इसके बेयरिंग गए, तो भाई वो भी चेक करवाए, तो वो भी बढ़िया है, खुलवा के कोई मतलब ही नहीं निकला, खुलवा के पैसा लगा दिया उसमें, तो उसमें भी कोई मतलब नहीं निकला भाई। तो अब क्या ही बोलो, पता नहीं क्या हो रहा है भाई गाड़ी में। एक तो अब भाई चलाने पे भी रहता है, अब चलाता भी मैं वैसी हूँ, तो भाई ऐसा तो नहीं होता है किसी गाड़ी में कि इतना ही वो करने लग जाए। आप अगर मेरी गाड़ी चला के देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि ये क्या कर रहा है। मतलब मेरा 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा, मतलब गाड़ी कभी कभी स्टेबल चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है, कभी कभी बस यू 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 करने लगती है। तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। पूरा उसका दिखवाना पड़ेगा मेरे को, पूरा हैंडल वगैरह पूरा खुलवा के मैं करवाऊंगा चेक, क्योंकि भाई ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते अपन, क्योंकि एकदम हैंडल वगैरह इसमें अगर भाई हैंडल वगैरह का कोई, तो उसका भी दिखा लिया, मतलब हैंडल भी दिखाया मैंने कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी एकदम फ्री चल रहा है, कोई ऐसा है नहीं कि टाइट चल रहा तो उस वजह से हो रहा हो, तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को भी। बाहर भी मैंने 2-3 मैकेनिक को दिखा लिया, अब भाई मैं सर्विस सेंटर में अपने जो सर्विस जहाँ कराते हैं उनको दिखाऊंगा भाई। अभी छुट्टी पे एक बार उनको दिखा के देख लेते क्या है, नहीं तो भाई अब बहुत परेशान हो गया भाई अब मैं तो गाड़ी से भी, क्योंकि भाई एकदम पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अभी तो बहुत दिक्कतें आ रही है। तो अभी भाई जो भी अगर इसका लेने का चल रहा है भाई जिसका भी, तो भाई मैं तो बोलता हूँ मत लो आप, अब पल्सर पे चले जाओ, कोई सी भी चले, NS जो आती 160 जो आ रही है वो ले लो, या तो दूसरी कंपनी पे जाओ आप, यामा पे चले जाओ, MT-15 ले लो आप, सबसे बढ़िया गाड़ी भाई, बहुत शुरू से भी मतलब बहुत पहले से चल रही है। अब हॉर्नेट में 160 पता नहीं बहुत बढ़िया चली, 160 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पर 2.0 जब से आया स्टार्टिंग से इसमें प्रॉब्लम है ना, क्योंकि भाई आपको भी पता है, आपने मेरे ब्लॉग देखे ही होंगे, स्टार्टिंग से दिक्कत आ रही थी इसमें सबसे ज्यादा। तो अब क्या बोलूं भाई, गाड़ी का लुक तो एकदम ऐसा है कि क्या बताया, लुक में बस लुक को देख लो यार। तो अब लुक क्या, लुक भी देखेंगे तो क्या है भाई, लुक को देख देख के क्या करेंगे भाई, जब गाड़ी ही नहीं आपका साथ दे रही है भाई, गाड़ी ही नहीं चल रही ढंग से, तो फिर लुक दिखाने कहाँ जाओगे आप, यही बात है ना। तो वही बोल रहा हूँ भाई कि इससे अच्छा आप मत लो अगर लेना हो जिसको, और भाई इसके पास भी जिसकी अच्छी चल रही है भाई, वो तो भाई बहुत उसका तो क्या किस्मत की बात है, बाकी अपनी तो किस्मत ही खराब है शुरू से ही भाई, ना गाड़ी से ना यूट्यूब पे उसके वीडियो डाले कुछ हुआ। तो ठीक है भाई, बस यही बताना था मेरे को आपको, तो भाई देख लो अब जो भी है। ठीक है भाई, तो अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, अभी मैं आपको बताना चाह रहा था तो बता दिया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।